जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा बहुत अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी राशि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। ये आपके मन में हमेशा प्रश्न उठता होगा, आप इसका जवाब जानना चाहते होंगे। तो हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। यदि आप लव मैरिज में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में लव मैरिज, अगर आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं तो कमेंट्स में अरेंज मैरिज, और जो भी आपकी विश्वास हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, होता यह है कि प्यार जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, और ये मानवीय स्वभाव है। एक नशा है, एक खुमारी है, या यूँ कहूँ कि एक अलग ही दुनिया। व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, जो चिंतन है, मनन है, एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, बड़ा सकारात्मक हो जाता है। प्यार क्यों अच्छा लगता है, प्यार का नशा क्यों होता है, उसमें एक सबसे बड़ा रहस्यमय बात होती है कि आदमी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है उसके साथ, उनके साथ जीवन बड़ा, जो जीवन में कभी महसूस नहीं हुआ वो चीज़ें महसूस होती है। इसलिए हमें प्यार के संबंध, रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। शारीरिक सुख जिसे जिसके लिए हम सभी दौड़ते हैं, वो विषय प्यार है ही नहीं। प्यार केवल आँखों तक है, इसके आगे हवस है। तो मैं केवल आंखों तक के इश्क की बात कर रहा हूँ, जो लव मैरिज जिसे हम कहते हैं। प्रेम से होने वाली शादियों में सबसे बड़ा परेशानी पारिवारिक लोग नहीं मानते हैं, लड़की के नहीं, लड़के के नहीं, ये दोनों नहीं मानते हैं, जात बिरादरी ये सभी आड़े आती है बात। पर दोस्तों, मैं पहली बात कहना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको प्यार की परिभाषा तक आया हूँ, लेकिन मैं आपको पहली बात यहाँ से कि क्या आपका प्यार वाकई में सच्चा है, आपने जिसको जीवन साथी के लिए चुना है, क्या वो सही में जो आप सोच रहे हैं वही पैमाने हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल दिखावटी है, तो इन चीज़ों का पहले आप ऑब्जर्वेशन जरूर कर लें, पहली बात। दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति के माँ बाप उसका बुरा नहीं सोचते, लेकिन माँ बाप बहुत बार ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो समाज, जात, धर्म ये सब नहीं देखते हैं और इससे आगे की सोच लेते हैं। तो मैं किसी भी व्यक्ति को पहले कि अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेकर, अपने माता पिता जो भी आपके पालक हो उन्हें ज़रूर कॉन्फिडेंस में लेकर ही आप कोई कदम उठाएं। मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आपको इतना बड़ा जो किया है, इतनी दूर तक जो आप पहुँचे हैं, उनकी बदौलत है। मैं जानता हूँ कि आप आज़ाद हैं, आपके विचारों पर आपका हक है, आपके हर एक चीज़ पर आपका हक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ऊपर उन लोगों का हक है। और वो लोग आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, तो अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहें, सबसे पहले तो उनको कॉन्फिडेंस में आप लें और फिर कोई कदम उठाएं। मैं ये बात इसीलिए आपको अरेंज मैरिज के लिए बात कह रहा हूँ। अब बहुत बार ये होता है कि वो मानते नहीं हैं, हम कितना भी कोशिश करें लेकिन यत्न करते हैं, मानते नहीं हैं। तो उसका उपाय यही है कि आप प्रभावी ढंग से, एक तरीकेबद्ध तरीके से उन चीज़ों को समझाएं, ताकि उन्हें समझ आए। क्योंकि होता है कि समाज की जो मानसिकता है उनके ऊपर बहुत थोपी हुई मानसिकता होती है, और उससे वो बाहर नहीं निकल पाते, केवल उनको उसी विचारधारा में वो सोचा करते हैं और वहीं से आपका ऑब्जर्वेशन करा करते हैं। तो अगर नहीं मान रहे तो आप उन चीज़ों से बाहर निकाल कर उन्हें अपना पक्ष रखें, वो ज़रूर मानेंगे, ज़रूर मानेंगे वो। बाकी अपने आप स्वविवेक से, पूरे चिंतन मनन से आप अपना निर्णय ज़रूर लें। आप बिल्कुल स्वतंत्र, आज़ाद है, अगर आप सही हैं ईश्वर आपके साथ है, मैं वादा करता हूँ आपके साथ, ईश्वर आपके मेरे साथ रहेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस विषय में क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।